सो वेलकम टू चैनल गाइस, आप देख रहे हो भाई के चैनल पे आज फिर से एक और न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ, ईशान भैया कौन सी गाड़ी है? इंडिया फर्स्ट और टॉप एंड वेरिएंट है भाई N-Line का। तो फिलहाल मैं आ रखा था भाई मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर पे भैया थोड़ा बहुत जो है काम कराने आए थे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या जो है भैया ने अभी टेस्ट फुली अपने अकॉर्डिंग करा लिया है। फिलहाल ईशान भैया बात करें यार, गाड़ी दमदार है क्या है? गाड़ी है इस बजट के अंदर जो है 15.50 के मेरे को ये ऑन रोड पड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग तो परफॉर्मेंस वाइज तो मेरे को यही बेस्ट लगी। तो फिलहाल क्योंकि कूलर तो बंद हो गई है बिल्कुल, तो i20 N-Line जो हैचबैक हमें लेनी नहीं थी, तो सब मीटर वाला जो होता है तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक है। मिनी SUV प्रॉपर अपने तरीके से, मतलब गाड़ी में बात करूँ पावर की और कैसा ड्यूरेबिलिटी कैसी है, जब अभी तक आपने चलाई ऑलमोस्ट कितनी चला दी अभी? ऑलमोस्ट ये मैंने चला दिया 250 अप्रॉक्स चला दिया गाड़ी, ठीक है तो ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा है अभी इसके। अभी हम थोड़ा और आने वाले टाइम में इसके अपकमिंग जो हम मॉड्स प्लान कर रहे हैं उसकी पावर गेन के लिए हम ट्यूनिंग सोच रहे हैं। आपने ऑलरेडी Ertiga भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कर रखी थी, तो इसमें क्या करने का प्लान है कुछ डिफरेंट? इसमें अभी हमने प्लान किया है कि अलॉय अपग्रेड करेंगे 218 इंच, और इस पर हम PPF मैट PPF करेंगे, तो थोड़ा स्टॉक कलर भी रहेगा और थोड़ा डिफरेंट लुक भी हो जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा लेट्स सी, हमने इसके लिए और भी सोचा है कि पीछे कस्टम इसका मूवी बनेगा, फिन वाला डिफ्यूजर, फ्रंट का कस्टम स्प्लिटर भी बनाएंगे, सारी चीज़ें जो है कस्टम मेड चलेंगी इस गाड़ी के अंदर, इसको वन ऑफ अ काइंड N-Line में भी बनाना नेक्स्ट लेवल, जो मतलब केरला वाली मॉडिफिकेशन मोड्स होते हैं वो सारे जो है इसके अंदर लोड हो जाएंगे। तो फिलहाल भाई गाड़ी के लुक से अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के लुक भी छोटी और इसके अंदर जितनी छोटी है उतनी जो है इस गाड़ी के अंदर पावर है। 3 सिलेंडर इंजन जो आपको 1.0 इसके अंदर मिल जाता है। N-Line है भाई प्रॉपर अपनी, N-Line का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट में भाई आपको जो है डुअल टोन रूफ मिल जाती है। और क्या क्या चेंजेस हैं N6 में और N8 में? इसमें N-Line में दो वेरिएंट आते हैं, N6 के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, डैश कैम नहीं आता है, तो ये डिफरेंस रहता है। मेन ये डिफरेंस है। देखो अगर मैं बात करूँ तो भाई डैश कैम भी जरूरी है और डुअल टोन से भाई काफ़ी ज़्यादा जो है लुक भी चेंज हो जाती है इस गाड़ी की, ऐसी बात नहीं है। सिंगल टोन में थोड़ी बहुत जो है एक लगता है कि हाँ यार बेस वेरिएंट ले लिया और उसको थोड़ा बहुत काम करा लिया, डुअल टोन में अलग ही बातचीत जो है भाई पता लग जाती है। फिलहाल भाई गाड़ी के अंदर पावर भी काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है, 1.0 इंजन है इसके अंदर। और बात कर लूँ तो इसकी BHP कितनी है? अप्रॉक्स 120 के आसपास है, 118 प्लस है कुछ, तो अप्रॉक्स हो गई पूरी। और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर तो 172, मतलब वो भी 170 का अप्रॉक्स है भाई, देख सकते हो। गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा क्लासिक है, जितनी हैचबैक वाली भी लुक दे रही है और उतनी पावर इसके अंदर अल्टीमेट वाली है। फिलहाल भाई बात करूँ तो ग्रिल देखो फ्रंट के साइड से N-Line की बैचिंग आपको मिल जाती है, पूरा जो ब्लैक क्रोम का फिनिश मिल जाता है। ये नंबर की बात करूँ तो ये नंबर रिटेन कराया किसी गाड़ी से या लिया है? ये फ्रेश नंबर लिया है, नंबर के भी शौकीन फुल है बातचीत, तो भाई नंबर भी जो है देख सकते हो 1110। और पूरी रेड स्ट्राइप जो है भाई अपनी N-Line की जो पहचान है वो जो है कंटिन्यू होते हुए आ रही है, वो चाहे i20 हो चाहे अपनी वेन्यू हो, तो सब पे जो है ये अवेलेबल हो जाती है। और फिलहाल बात करूँ तो हेडलैम्प में क्या है, इसका कुछ चेंजेस है? हेडलैम्प पे कंपनी से LED आई है, कॉर्नरिंग लैम्प में अभी हमने इसको LED अपग्रेड करा है, क्रिस्टल आई थी इसमें, कॉर्नरिंग लैम्प में LED डाली है, ठीक है। और बस यही किया अभी फिलहाल मेन भाई फ्रंट में। देखो गाड़ी नई है तो कुछ लिमिटेड तरीके से भी है कि जैसे बताया कि मैं कस्टम मेड जो है इस गाड़ी को प्रॉपर रेडी करूंगा। फिलहाल ऑप्शन आपको काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाते हैं, बट मैं वैसे नहीं कह रहा कि हाँ यार बिल्कुल नई गाड़ी पे एकदम से बिल्कुल काफ़ी सारे चेंजेस कर दो। गाड़ी की फ्रंट से आपको भाई लुक दिखाती है, साइड में बात करूँ तो भाई साइड मिरर की आप लुक देख सकते हो, और A पिलर B पिलर C पिलर गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा लुक जो है भाई क्लासिक लग रही है, और साइड में देख सकते हो। और इसमें जो है 5 होल अपने अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं जो कि i20 N-Line में आते हैं, बट इसके अंदर जो है 5 होल हैं और i20 के अंदर अपने 4 होल हैं। सेम 16 इंच इसका रिम है अलॉय है सॉरी, और साइड में भी आपको रेड स्ट्राइप जो है पूरे प्रॉपर मिल जाती है N-Line वाली, और यहाँ पे भी N-Line की बैचिंग मिल जाती है। और ये देखो तो भाई गाड़ी की जो है काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक है, पीछे से भी आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की, एक बार भी इसकी टेल लैंप भी ऑन कर देना एक बार, ये देखो भाई पीछे से भी भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इस गाड़ी की लुक। N-Line के पीछे बैचिंग मिल जाती है, और एग्जॉस्ट जो है लगवाया है ये कंपनी की तरफ से ही टिप है, ये कंपनी से ही टिप है, बाकी भाई भैया ने बता दिया। नॉर्मल मेन्यू है और जो N-Line मेन्यू है उसके
फ्रंट और रियर बम्पर में ही डिफरेंस भी आता है। अच्छा, तो भाई देख सकते हो ये भी जो है डिफरेंस जो है शेयर कर दिया। बाकी पीछे की साइड से लोग शार्क फिन एंटीना कंपनी की साइड से रूफ रेल देख सकते हो, बिल्कुल पियानो ब्लैक जो कि रूफ है अपनी आ रखी है प्रॉपर। तो ये जो है भाई गाड़ी की कुछ बाहर से जो है लुक रहने वाली है, काफ़ी अमेजिंग है भाई। अपना व्हील साइज़ में बात करूँ तो व्हील साइज़ भी प्रॉपर ओके है, और इंटीरियर की साइड से अब एक बार भाई बात कर लें तो गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोडेड वाले फीचर जो आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। एन लाइन की बैचिंग जो आप देख सकते हो रेड स्ट्राइप जो रेडी हो रही है, और हर एक एसी वेंट्स पे आपको मिल जाती है। जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है तो टॉप एंड वेरिएंट में भैया ने बताया ऑटो एसी जो है आपको इसी वेरिएंट के अंदर मिलेगा, डुअल टोन इसी वेरिएंट के अंदर मिलेगा, डैश कैम जो है आपको इसी वेरिएंट के अंदर मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है भाई आपको अवेलेबल होते हैं खाली एन एट में। और बात करूँ सीट कवर्स की तो सीट कवर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है इसके अंदर दे रखे हैं, और एन लाइन की प्रॉपर पूरी बैचिंग जो है देख सकते हो। बात करूँ भाई इंटीरियर की तो प्रॉपर जो है लग्जरी वाली फील है इसके अंदर, डैश कैम के अंदर पूरे डैशबोर्ड की साइड ये देखो प्रॉपर सॉफ्ट लेदर है, ऐसा नहीं है कि हार्ड लेदर है। और ये देखो ड्राइव मोड, और अपना बात करूँ कितने मोड्स अभी है इसके अंदर थ्री मोड्स हैं, थ्री मोड्स हैं नॉर्मल और स्पोर्ट्स, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो भाई ये देख सकते हो अपना एन लाइन की बैचिंग जो आपको गियर नॉब पे भी मिल जाती है इसके। तो फिलहाल भी बात करें अभी तक आपने जो ये गाड़ी चलाई है कितने किलोमीटर जो है चला दी, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर भाई आपको एक बार मीटर भी दिखा देता हूँ। ये तो रेंज शो हो रही है 163 जो है चली हुई है गाड़ी, ऑलमोस्ट वही 200 के अप्रोक्स मान लो, क्योंकि डिलीवरी लेते टाइम भी जो है थोड़ी बहुत 10-15-20 चली हुई मिलती है। तो भैया बात करूँ 163 तक जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसका गाड़ी का चलाने में? अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मैंने सारे मोड्स पे ट्राई भी करे हैं, तो परफॉर्मेंस इसकी ट्राई भी करी है, तो सो फार सो गुड। बट हम थोड़े ऐसे हैं कि वी वांट मोर, तो बस यही है कि इसका जितना मैक्स पोटेंशियल है वी हैव टू, हमें बाहर निकालना है वो पोटेंशियल। बिल्कुल, तो इन फ्यूचर क्या प्लान है इस गाड़ी का? देखो पावर तो इस गाड़ी के अंदर अल्टीमेट मिल ही रही है ऑलरेडी, मतलब लगता तो नहीं होगा कि हाँ गाड़ी में पावर कम है। नहीं, पावर तो कम नहीं है एक्चुअली, जो एंथुजियास्ट है उनके लिए वो भी चीज़ कम है। तो हम इसको प्लान कर रहे हैं आफ्टर जो 5000 किलोमीटर्स के बाद इसको हम स्टेज वन में ट्यून करेंगे, क्वांटम ट्यूनिंग में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लान है कि इसको हम कैटबैक एग्जॉस्ट अपग्रेड करेंगे। कैटबैक एग्जॉस्ट के बाद तो गाड़ी में देखो लॉन्च भी जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। और प्लस मैं इसका देख रहा हूँ कि फोर्ज मोटर स्पोर्ट का डंप वेल्व आता है, वो एक्चुअली आता है i20N के लिए है, जो यूरोप कंट्रीज में आता है और यूएस में आता है। बिल्कुल, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर वो कंपेटेबल होगा तो वो भी इसमें हम अपग्रेड करेंगे। प्लस इसमें हम अभी K&N का स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर अभी अपग्रेड करने वाले हैं, तो ये सब कुछ रहेगा। मतलब गाड़ी के अंदर देखो पावर जो है अल्टीमेट मिली है, तो आपने पावर को जो है और बूस्ट कर दिया। बिल्कुल, देखो एक ना एंथुजियास्ट को अलग ही फील होती है, उसको ना गाड़ी की डिजाइन से मतलब नहीं होता, उसको खाली मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी, लोडिंग पावर जो है, लॉन्च पैड कितना जो है उस गाड़ी के अंदर। मेन डिजाइन जो देखो पुंटो थी, पुंटो की लुक जो है कई बंदे कहते थे नॉर्मल है, अरे यार क्या गाड़ी है ये। बट वो गाड़ी के अंदर जो पावर थी ना, वो गाड़ी के अंदर अल्टीमेट थी। तो वही चीज होती है भाई, हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखता है, बट एक जो एंथुजियास्ट होता है वो प्रॉपर अपने तरीके से देखता है हर एक चीज, वो स्पेक्स करता है पहले, प्रॉपर अपना चार्ट बनाता है कि यार ये गाड़ी के अंदर इतनी चीजें हैं, ये ऐसे मिलने हैं, ये ऐसे मिलना है, ये मेरे को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उस हिसाब से जो भाई कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करने वाला है। और फ्रंट में भाई बात करूँ डैशबोर्ड की साइड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और भी एक बार इसका एक बार डैश कैम ऑन कर दो, एक बार डैश कैम इसका एक्चुअली ऑन है, इसके अंदर अभी एसडी कार्ड जो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, वो एसडी कार्ड अभी इसमें डालना है। ठीक है, तो अभी हमने इसको ऑन बेसिकली करा नहीं है, तो वैसे इसकी स्क्रीन अभी ऑन है, ऑन है। तो भाई देख सकते हो इंटीरियर की साइड से ब्लैक रूफ काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, एक बार आपको सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो सनरूफ भी भाई बात करूँ तो ज्यादा बड़ी ऐसी कुछ है नहीं, इजिली एक बंदा जो भाई आराम से निकल सकता है, पर भाई ऐसे निकलना अलाउड नहीं है, खाली खड़ी गाड़ी में जो आप फोटोज़ के लिए जो है निकल सकते हो। और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर ऑलरेडी आपको रैप हुए मिलते हैं ब्लैक कलर में, और पूरा इंटीरियर जो है ब्लैक और रेड में जो है पूरा टचअप दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और सिल्वर मिल जाएगा, ओनली पूरा रेड और ब्लैक में जो पूरा इंटीरियर इसका रेडी हो रखा है। और ये देख सकते हो स्टीयरिंग, स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा भाई अमेजिंग है, पैडल शिफ्टर आपको मिल जाते हैं, ट्राई करा पैडल शिफ्टर मज़ा है। तो भाई वही वाली बात है, पावर के साथ फुल मजे जो है लिए जा रहे हैं भाई। और ये देख सकते हो गेट्स पे, और अंदर की साइड जो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल हुई है। एम्बिएंट लाइट की बात करूं कितने पीसेस इंस्टॉल हुई है? 18 पीस हुई है, आई थिंक 18 पीसेस, बट हमने यूटिलाइज इसमें 14 पीसेस ही कर रहे हैं।
14 मिली में 12 करे क्योंकि भैया को उसमें पाइपिंग नहीं चाहिए थी, तो उसमें हमने चारों डोर्स के मतलब डोर हैंडल में जहाँ पे हम अपने कॉइन रखते हैं वहाँ, और चारों लेग्स में ये आप कंट्रोल्ड वाली, बोला भाई ये देखो भाई ये K3 है, ये नॉर्मल जनरेशन 2 है, भैया को वो चाहिए ही नहीं थी ना, तो जनरेशन 2 K3 सेम होती है। स्टॉक डैशबोर्ड रेड आ रहा है तो भैया ने उससे मैच करके ये रेड कलर करा दिया, इसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई देख सकते हो ये जो आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और जितेश भाई बात करो तो इसके अंदर स्कफ प्लेट इंस्टॉल हुई है। हाँ ये भैया मेटल वाली चाह रहे थे तो इसके अंदर हमने मेटल वाली स्कफ प्लेट कर दिया, वो दिखा देता हूँ आपको, ये देखो पीछे से भी एक बार दिखा देता हूँ। लाइट वाली भैया को चाहिए नहीं थी तो इसलिए भैया ने मेटल वाली लगवा ली। तो भैया लाइट वाली ना लगवाने का रीजन? रीजन ये था कि एक्चुअली में क्या है यहाँ पे ना एजेस बहुत है तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाती, तो हम थोड़ा स्पोर्ट्स लग्जरी ना जाके इसको थोड़ा स्पोर्ट्स में रखना चाहते थे, ये मिक्सचर कर लिया थोड़ा सा स्पोर्ट्स थोड़ा सा लग्जरी का थोड़ा बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें एक्चुअली में क्या है यहाँ पे प्रॉपर एक वो शेप नहीं है, तो कोई अपनी चॉइस है, हमारी प्रेफरेंस थी कि हमें नहीं लगवानी थी, अच्छी लगती है बट जो मेरा छोटा भाई है उसकी प्रेफरेंस नहीं थी कि वो कहता कि बस कप होल्डर्स एंड हैंडल्स में रखते हैं, तो थोड़ा मतलब मिक्स मतलब एक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपनी पूरी गाड़ी जो है भाई रेडी करवा ली है भैया ने, वही है यार लिमिटेड चीजें जो इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो, अब ज्यादा करवा दोगे तो फिर वो एक मजा नहीं रहेगा, वो फिर आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। बट जो प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात करूँ तो भाई काफ़ी कम चीज़ें जो हैं, पीछे की साइड से भाई लुक देख लो काफ़ी ज़्यादा जो है अमेजिंग आने वाली है इसकी। सीट कवर्स भाई काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है, चेंज की रिक्वायरमेंट तो है नहीं इस गाड़ी के अंदर, सीट्स कवर तो भी कंफर्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा, काफ़ी कंफर्टेबल जिस हिसाब से दिख रहे हैं। हाँ एक्चुअली में नापा लेदर है जो कंपनी प्रोवाइड करी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, तो इसमें अपग्रेड का तो कुछ कोई बचता ही नहीं है, इसका जो है रैप है और रेड स्टिच के साथ है, तो मतलब इंटीरियर के अंदर मैट्स और एम्बिएंट लाइट के अलावा तो मुझे तो कोई नीड लगी नहीं, बाकी है कि हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा जैसे ये जो मैट ब्लैक में आता है इनको पियानो ब्लैक शायद कर सकते हैं, काफी ज्यादा लुक अमेजिंग हो जाएगी इसकी लगने के बाद, ज्यादा नहीं करेंगे तो इतना ही करेंगे कि मतलब सोबर लगे कि सारा वो नहीं करना, एक अच्छा एक कॉम्बो बनाना है तो एक जो सोबर हो थोड़ा डिसेंट लगे। बिल्कुल, तो एक बार भाई आपको इसका हुड भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, एक बार गाड़ी बंद कर देते हैं, और ये भाई एलईडी जो है देख सकते हो स्टॉक जो है गाड़ी का, भाई कलर भी जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है। कलर की बात करूँ तो कितने कलर के ऑप्शन मिल रहे थे भैया इसके? थ्री कलर ऑप्शन आते हैं, एक वाइट आता है, एक ब्लू आता है, एंड देन एक आता है लाइट नाडो ग्रे। ठीक है, तो वाइट हमें एक्चुअली हमें चाहिए था ब्लैक, बट ब्लैक इसमें आया नहीं, ब्लैक आया नहीं, ब्लू इज द गुड वन, में तो ऑलरेडी एक ब्लू का है एस्पायर है, तो ये सूट करता है बिल्कुल। देखो स्पोर्ट्स कार वाली फील अगर लेनी है तो थोड़ा कलर से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कलर वो यूनिक दिखना चाहिए जब भी उस गाड़ी की वैल्यू पता लगती है। फिलहाल भाई 1.0 लीटर का इंजन जो आपको दिख रहा होगा सामने, टर्बो चार्ज इंजन है, और स्टेज 2 कराने का प्रोग्राम है फिलहाल तो स्टेज 1, देखते हैं अगर होगा उसके बाद कि क्या पोटेंशियल गाड़ी में आता है, अगर गाड़ी रिक्वायर्ड करती है। देखो स्टेज 1 के बाद तो ऑलमोस्ट ये 140 के अराउंड आ जाएगी। हाँ ऑलमोस्ट 25% का गेन रहता है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि स्टेज 2 के लिए फिर हमें डाउन पाइप चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज 2 के लिए काफी मैप भी शिफ्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई ये जो था 7DCT वाला जो है मैंने आपको इंजन प्रॉपर जो है दिखा दिया है, देख सकते हो ट्रांसमिशन 7DCT जो है इसके अंदर, डुअल क्लच ट्रांसमिशन प्रॉपर जो आपको मिलने वाला है, टर्बो GDI टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, तो भाई ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, और हॉर्न भी अपने भाई वही हुंडई वाले कंटिन्यू यूज हो रहे हैं, मतलब काफी कंपैटिबल है देख सकते हो पेट्रोल वाला। एक्चुअली में कि हॉर्न इसमें सिंगल ही आया था, तो हमने कंपनी से पूछा था कि इसको डबल कर दो, तो उनका ऑप्शन नहीं था, तो आफ्टर मार्केट ही लगाया। अच्छा ये आफ्टर मार्केट लग गया जब भी कहूँ कलर चेंज है, और अपना मतलब सिंगल हॉर्न मिल रहा था, सिंगल वाला जो था जो आप सेंट्रल अपने टाइम पे यूज करते हो जो बचता है वो सिंगल वाला हमने उसको रिप्लेस कर दिया, वो जैसे पोलो में बचता था सिंगल सेम वही वाला। तो भाई देख सकते हो भैया ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फटाफट से जो है गाड़ी रेडी कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट यार 200 किलोमीटर भी नहीं चली गाड़ी, और भैया ने अपने अकॉर्डिंग जो है इस गाड़ी को रेडी कर लिया है कि भाई इतना मेरे को कंफर्ट इस गाड़ी में चाहिए ही चाहिए। तो फिलहाल भाई ये जो थी मैंने आपको हुंडई वेन्यू 1.0 N9 N8 की जो है डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, फिलहाल और कोई डिटेल भी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप करता हूँ आज की वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो भैया क्या करना है इस वीडियो को? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके दिमाग में कुछ भी हो यू कैन आस्क, बिल्कुल भी आपका डाउट है आप कमेंट पे पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल जो भी आपको हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसको आपको डिटेल में सारा बताएंगे। भाई कमेंट बॉक्स में भैया की इंस्टाग्राम आईडी जो है ऐड कर दूंगा, अगर कुछ और फीडबैक भी लेना हो ना कि इस गाड़ी का क्या चीज अच्छी है, या मतलब कुछ कुछ पूछना हो, देखो मैं तो थोड़ी देर के लिए मिला, जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने शेयर कर दी है, फिलहाल बाकी जो आपको डिटेल चाहिए हो आप भैया से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो को लेके।